अब्बू जी की कमी से बचपन में ऐसे ही निकाला करता था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी धनिया ले लेते हैं बाहर जाके, तो रेडी वाला ना बच्चा आ जाएगा अभी। तो गाइस वैसे आज काम भी ना काफ़ी ज़्यादा करने थे जो के रहते हैं, अभी तो सुस्ती मुझे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। चूज़ों का बाजरा भी लेके आना, गाड़ी की बैटरी भी चार्ज करवानी है। तो अभी देखते हैं, सब्ज़ी वाला चला तो नहीं गया कहीं पर? सब्ज़ी वाला ओ चला गया, नहीं आई नहीं है, दूजी गली तो देख लेने, इधर है कि नहीं है? इधर भी नहीं है। किधर चला, किधर चला है, की करा? बच्चे लाए चला, चल जा। अभी सब्जी वाले को वो हाफिज अली वाली दुकान में देते हैं, वहाँ पे ना गया हो। मैं बता रहा था काफ़ी सारे काम रहते हैं आज करने वाले, तो कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा। वैसे ऊपर बादल भी आ रहे हैं, बारिश होने वाला भी मौसम हो गया, वहाँ भी खूबसूरत चल रही है। अभी सब्जी वाला वो चला गया, अभी बाद में ले लेंगे सब्जी। अभी बाजार चलते हैं, बाजार से सब्जी लेके आते हैं और चूज़ों के लिए लेके आ रहे हैं बाजरा, वो भी लेके आते हैं। ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मैं समझे बारिश हो रहा हूँ, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से। मेरे ख्याल टंकी है ना बढ़ गई है वहाँ पे। अभी तकरीबन टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है मेरे ख्याल 12:30 हो रहा है। तो सुबह से मैं 9 बजे से उठा हूँ, तो अभी तक मैंने गाड़ी की ना बैटरी खोली है और ना ही मैंने चार्ज करवाई है और ना ही मेरा दिल कर रहा है चार्ज करवाने का। बहुत ज़्यादा सुस्ती आज पड़ी हुई, तो ब्लॉग करने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा नहीं ब्लॉग तो करते हैं। तो कोशिश है वो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला, कामयाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला करने वाला, कोशिश इंशाल्लाह जारी रहेगी। तो अभी यहाँ से पैसे ले लेते हैं। अब्बू जी की कमी से बचपन में ऐसे ही निकाला करता था, वीडियो अगर मुझे मिली ना मैं वो भी दिखाऊँगा। यहाँ से ले लेते हैं 100 रुपये। अबू की कमीज से 100 नहीं निकालता था, 10 रुपये निकाला करता था। बाकी ठीक, तो अभी जाके चूज़ों का जो बाजरा वो भी ले आते हैं। और कोई काम, और कोई तो काम नहीं है वैसे, हाँ यही था बस। बाल वगैरह कटवाने हैं, आज नहीं कटवाऊँगा, 1-2 दिन छोड़ के करवाएंगे। तो अभी बराबर हो गए ना सारे, अच्छे नहीं लग रहे। मैं सोच रहा हूँ ये साइड्स ना सारी दोबारा से छोटी छोटी करवा दूँ, थोड़ा सा स्टाइल बनाते हैं। अभी मैं बाइक में पेट्रोल चेक कर लूँ, बाइक है पेट्रोल है कि भी कि नहीं। एक मिनट, चलो टैंकी खुल गई है, हाँ हिलने की आवाज़ तो आ रही है, तो बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा, बाजार से हो जाएगी वापसी। धनिया भी आ गया और बाजरा भी आ गया, धनिया दे देते हैं यहाँ पे और ये डाल देते हैं अपने चूज़ों को जाके। अभी जो मैंने आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाए तो कैसे लगे, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अभी मेरा कैमरा सारा बिखरा पड़ा है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो आपको दिखाऊं, तो वैसे अभी मुझे इतने ज़्यादा अच्छे, मेरा हाथ सेट नहीं है और मुझे इतने लेने भी नहीं आते। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और अच्छा कंटेंट करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से सिनेमैटिक्स लेंगे। वैसे फिलहाल जो है मेरे कमरे में इसी तरह मेरे डंबल्स वगैरह इस तरह पड़े हैं, मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए एक्सरसाइज दोबारा से छोड़ दिया, कर ही नहीं रहा, तो दिल ही नहीं करता यार, मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज़ की। ये डंबल की ब्लेड मैंने नीचे रखी हैं, तो इस तरफ तो जंग जो है ना वो लग गया काफ़ी ज़्यादा, तो ये भी इस तरह पड़ी, यहाँ पे भी निशान डल जाएगा, तो इसे मैं सोच रहा हूँ कि खड़ी कर देता हूँ दीवार के साथ, ताकि यहाँ पर अगर पानी जमा होना फिर जंग ना लगे। अभी तो फिलहाल पानी वाला काम भी मैंने तमाम कर दिया है, जो कमरे में पानी आता था तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या किया मैंने। तो अभी देखते हैं इसके नीचे नहीं, कोई जंग नहीं है, लेकिन चले इसे इस तरह रख देते हैं
बस ये है कि ये गिरे ना, अगर गिर गए ना तो टाइल टूट जाएगी। और इधर बारिश का अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया मैंने, तो सीमेंट लगा के अच्छी तरह से मैंने बंद बांध दिया, तो अभी इंशाल्लाह ताला ये पानी अंदर नहीं आएगा। अगर तो काफ़ी ज़्यादा पानी आएगा और वो पड़नाला बंद हुआ फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि अंदर आएगा पानी, ये बढ़ जाएगा। वैसे पानी अंदर नहीं आएगा, वैसे आज बारिश होने वाली है, होएगी उम्मीद तो है, तो आज मेरा इंतजाम भी पूरा है। वैसे मैंने आज नोट किया है वो सामने ना जितनी भी झाड़ियाँ थी बड़ी बड़ी, तो वो सारी किसी ने ना काट के वहाँ पे सूखने के लिए रख दी है। कुछ तो ले गए, कुछ सूखने के लिए रख दिए, वो जब सूख जाएंगे तो वो भी एज आ कह लें कि ईंधन इस्तेमाल होंगी, तो कुछ तो ले गए वहाँ से काट के। चलिए जी गाइस, गाड़ी की बैटरी भी मैंने निकाल दी आज बाहर, तो इसे लेके चलते हैं और इसे चार्ज करवाते हैं और चेक करवाते हैं और इसे दोबारा से फिट करवाते हैं। ये तो बैटरी को चार्जिंग के लिए दिए हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए, तो अभी शाम हो गई, तो मैं आया था नवी भाई को बुलाने के लिए बैटरी लेने जाना, तो पता चला कि जो हमारी जनरेटर है इसकी बैटरी भी साइलेंसर के साथ लग लग के सारी पिघल के ख़त्म हो गई है, तो वो भी बैटरी चार्जिंग के लिए दी है। तो अभी जाएंगे दोनों बैटरी जो है इकट्ठी लेके आएंगे, तो अभी तकरीबन और 1-2 घंटे लगेंगे, तो फिर बैटरी जो है अपनी लेके आएंगे। तो ये बैटरी फूकी, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही ये फूकी कैसे। बैटरीज आ गई हैं चार्जिंग से, तो वो न्यू बैटरी भी आ गई है और ये भी आ गई है, तो अभी चलते हैं बाहर ज़रा घूमने फिरने के लिए। सारी दिन ना घर बैठ बैठ के बोर हो गए, तो अभी ज़रा घूम के आते हैं। मुजम्मल भी बाहर खड़ा, जाना किधर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दो इसे कॉल आ गई है, तो फिर चलते हैं हम। तो गाइस अभी हम आ गए हैं इस कॉलोनी में, तो बगैर फोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए, तो मुजम्मल का आईफोन भी चेक कर रहे थे, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि बाइक ना इसके नीचे उतारूँ। हैं मुजम्मल, बाइक उतारा इतने हैं? बाइक तो मैं उतार दूँ, लेकिन नहीं, चौकीदार ने आया ना, उसने कहना ये क्या करे यहाँ पे पंगे वगैरह कर रहे हैं। वैसे मेरा मूड कर रहा है कि यहाँ से थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करूँ, चेक करें कि बाइक में कितना पोटेंशियल है कि नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ से उतारूँगा, वहाँ से निकालूँगा बाहर। अभी मैं सोच रहा हूँ, तो मुजम्मल कह रहा ना कर। गाड़ी की बैटरी मैंने फिट कर दी है, तो अभी जो है सलाब लगा के देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। अगर होगी तो फिर 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे स्टार्ट ही से। अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट हो गई गाड़ी। अभी इसे 5-10 मिनट के लिए इस तरह स्टार्ट ही करिए रहने देते हैं। और ये किधर से ऑन हो जाता है यार, और बार इसे कर देते हैं ऑफ। पता तू काटना सूट पाया मोटरसाइकिल ला उन्होंने। ये देखे आहद भाई ने, आहद भाई ने इतना प्यारा सूट पहना हुआ है, पाशा की कॉटन पहनी हुई, पाशा की कॉटन पहनी हुई। कितने का? 1.5 लाख का। 1.5 लाख का जी। अच्छा, ये जो चश्मा लगाया ये मेरा ख्याल 1 करोड़ का होगा फिर तो। अच्छा, ये जूता कितने का? ये भाई पूरे पैसों के, मेरी भूख मर गई। अच्छा, ये आज इस तरह के आज जो है ना हम सबको खाना खिलाने लगा। इतने महंगे सूट पहने हुए आदि भाई ने यार, रंग उठ गया। नहीं नहीं, ऐसे इस तरह नहीं खिलाए गए, खिला रहे ना। दाद दही करवाई नहीं? हल्का खाना खिला रहे हैं, दाल रोटी। इंशाल्लाह कल परसों ये हैवी खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आज पाशा का सूट पहना हुआ है आज भाई ने, 1 लाख रुपए का। पूरे 1 लाख का? पूरे 1 लाख पूरे का। पूरे तो फिर खाना कितने का बनेगा? पूरे 5,000 का बन जाएगा। चलो ठीक है, जो नहीं नहीं ज्यादा नहीं खाते यार आज भाई, ज्यादा नहीं खाते। अच्छा, मलक को तो बुला, मोहसिन को तो बुला, उससे तो कॉल करो, उसने भी आज ना अपनी दाढ़ निकलवा दी। पता है मिला मुंह सुजा हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, दर्द हो रही है, कह रहा है पेन हो रही है, बाकी इंशाल्लाह। तो खाना कैसे खाएगा फिर? वो खाना नहीं खा रहा, डॉक्टर ने मना किया। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब।
स्पीकर हूँ। मैं बस बैठना है। मलिक साहब किधर आ गए आप? तो गए अभी हो गया 11:32, तो हम आ गए थे घर तकरीबन 10:30। तो आगे का जितना भी ब्लॉग था तो वो हो नहीं सका, फ्रेंड्स ने मेरा मोबाइल छीन लिया था। वो कह रहे थे पहले पार्टी दोगे तो फिर मोबाइल मिलेगा, बड़ी मिन्नत तरले डाल के फिर मोबाइल मुझे मिला। तो आगे का ब्लॉग भी मैं कर ही नहीं सका, फिर अभी घर आ गए हैं। तो अभी तकरीबन मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत जो है पसंद आ रही होगी और मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।